उत्तर भारत में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ऊंचा पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े, बड़ी उम्र के लोग शहर छोड़कर खुली जगह में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के दौर में आर्टिफिशियल रेन की बातें होने लगी हैं। जी हाँ, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कृत्रिम बारिश कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। क्या होती है कृत्रिम बारिश और यह कैसे कराई जाती है, आइए जानते हैं। प्राकृतिक तौर पर सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे उस जगह पर कम दाब का क्षेत्रफल बन जाता है। ऊपर उठकर यह हवा ठंडी हो जाती है और छोटे छोटे पानी के कण सघन होने लगते हैं। बारी होकर यह नीचे जमीन पर गिरती है, जिसे बारिश होने लगती है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से बारिश नहीं होती है तो कृत्रिम तरीकों से बारिश कराई जाती है। गर्मी से राहत पाने के लिए, सूखे से निपटने के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्लाउड और सीडिंग। क्लाउड का अर्थ होता है बादल और सीडिंग का मतलब होता है बीज बोना। सुनने में यह अजीब लगेगा मगर यही सच्चाई है। कृत्रिम बारिश के लिए बादलों के अंदर बीज बोए जाते हैं। बीज के रूप में यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड या सूखी बर्फ जैसे ठंडे रसायन का प्रयोग किया जाता है। एयरक्राफ्ट की मदद से यह रासायनिक पदार्थ इन बादलों के ऊपर छिड़क दिए जाते हैं, जिससे हवा में मौजूद पानी के छोटे छोटे कण इन ठंडे कणों पर इकट्ठा हो जाते हैं और बड़े बनकर यह नीचे गिरने लगते हैं, जिसे कृत्रिम बारिश कहते हैं। यह प्रदूषण से निपटने के लिए बहुत मदद कर सकता है, मगर यह खर्चीली है। इसके फायदे को देखते हुए यह कराई जा सकती है।